आप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में किस जगह की हैं? मैं अभी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, मेरे हस्बैंड रेलवे में ही हैं और वही पोस्टेड है, और इससे पहले हम मथुरा में थे। तो वही मूल रूप से आप कहाँ की? मूल रूप से सीतामढ़ी बिहार। अच्छा, बिहार के हैं, तभी आप बहुत पूरी जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा जो क्षेत्र है वो बजिका बोलते हैं वहाँ, बट भैया का जो इनका है जितन जी का, वो भोजपुरी है। तो बहुत सारे साल में बैठाने के बाद मैंने इस फिल्म को किया, इस फिल्म से मैंने शुरू किया था अपना भोजपुरी से। हाँ बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने हरियाणवी में भी कई सारे मूवीज और बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं। ये फिल्म बस जितेंद्र जी का लाया हुआ है, इनकी इतनी अच्छी स्टोरी थी। एंड भोजपुरी का एक था ना मिथ है कि नहीं भोजपुरी है तो उस टाइप का ही होगा। तो ये फिल्म आप देखेंगे तो बहुत पारिवारिक है, और मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कहानी है। एंड जो एक होता है ना कि अश्लील है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है। इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ड्रामा भी फुल है, तो सॉन्ग्स भी इन्होंने जितेंद्र कुमार का लिखा हुआ है, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा देख के आपको। जैसे उसमें उन्होंने गाना की चर्चा की, जब भी भोजपुरी की बात होती है तो गाने को लेकर के, जैसे लव सॉन्ग हुआ तो लव सॉन्ग से प्यार का गाना है कि तोहरा अइला से जिंदगी में अजोर हो गइल, तोहरा अइला से जिंदगी में अजोर हो गइल, जहिया से मुस्कइलू मन विभोर हो गइल। तो इस तरह से आपको मुखड़े मिलेंगे, और उसे के दिल का हाथ रख के तोसे एगो बात कहिला, अपना जान से भी ज़्यादा तोके प्यार करिला। तो ये सब गाने भोजपुरी में आपको नहीं मिलेंगे, तो कोशिश एक है कि आपको बेहतरीन और दिल को छूने वाले गाने मिले, और उसी के हिसाब से हम सीन भी। हाँ, वो एक्चुअली लाइन ही कह रहा है कि किस टाइप के गाने हैं वो। वो आपका टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? देखिए, हमारा टारगेट तो कहेंगे कि हम बरेली, अभी आपको एक अच्छी सूचना भी दे दूँ कि कल यहाँ लगने के साथ साथ मुरादाबाद में भी फिल्म लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट है कि भोजपुरी कल्चर की खूबसूरती को हम हर जगह बिखेरें, हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में कन्फाइंड होकर ना रह जाएं, कि हम उसे सीमित होकर ना रह जाएं। आज एक हिंदी फिल्म अगर सुपर टॉप होती है तो उसमें एक भोजपुरी का तड़का होता है तो टॉप हो जाती है, और हम भोजपुरी की सारी चीज़ें लेके बैठे पड़े हैं, फिर हम आलोचना झेल रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमके मेकिंग में गड़बड़ी है। तो उस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि कम हो जाए और बेहतर फिल्में बने भोजपुरी में। जो परसेप्शन है वो चेंज ऑफ कोर्स। आप इंद्र जी, अक्सर भोजपुरी फिल्म में जब गाने होते हैं तो उसमें कुछ ऐसा शॉट होते हैं जिसे लोग परिवार लोग नहीं देखते, इस फिल्म में समाज को देने के लिए क्या फिल्म आपने बनाया है? देखिए, एक्चुअली देखिए, समाज में प्यार मोहब्बत और मार धाड़ तमाम तरह की चीज़ें कुछ प्लस माइनस होता ही है, उसी को किस तरीके से आप दिखला रहे हैं वो एक मायने रखता है। तो अगर प्यार को एक सामान्य एक्सेप्टेबल सीनरी के साथ दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा, ये चेंज है। जैसे हमने मुखड़ा भी सुनाया है, उसी टाइप की बातें हैं। जितेंद्र जी, इस मूवी का खलनायक कैसा है? आप तो आप एक खलनायक जैसे होते हैं, उठाया और चल रहे जी। इस मूवी का कैसा है? एक्चुअली